आज आप शूट कर रहे हैं ये, इस गाने के बारे में आपकी क्या फीलिंग्स हैं? जो गाना अभी मैंने रिकॉर्ड किया है उसके कंपोजर मानिक सत्याप सर हैं और बहुत ही अच्छा गाना उन्होंने बनाया, और ये एक्चुअली हमने एक साल पहले इसको हमने बनाया था, रिकॉर्ड किया था, तो उसके आज इनको वो पाइपलाइन में था वो गाना, तो आज उसको थोड़ा टचअप करने के लिए मैं फिर से यहाँ रिकॉर्डिंग करने के लिए आया, और बहुत ही अच्छा गाना है, फेसबुक के ऊपर है और आजकल जो भी चल रहा है सोशल मीडिया में वो है, उसके उसके अंदर जो भी चलते हैं कि लड़का लड़की आपस में कैसे फ्रेंड बनते हैं, तो उसी के ऊपर गाना है और आई होप कि सब लोगों को पसंद आएगा। आपको लगता है कि यूथ रिलेट करेगा? यस यस, मुझे यही लगता है। डिस्को विस्को भी बजने वाला है? हाँ, डिस्को भी, पूरा पब सॉन्ग है, पूरा डिस्को वाला गाना है, पूरा टीजिंग वाला गाना है, तो आई होप कि सब लोग पूरे इंडिया में बजने वाला है कि सिर्फ कोई आपका एरिया है वहाँ पे बजने? नहीं, ऐसा कोई एरिया ओरिएंटेड नहीं है, एक्चुअली पूरा इंडिया वाला ही गाना है और वर्ल्ड 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 भी बोल सकते हैं, जो अब्रॉड में जो इंडियन बाहर रहते हैं उनको। किस टाइप का टच है इस गाने का? थोड़ा सा टच इसमें थोड़ा देसी भी है, बट लैंग्वेज देसी है, बट जो टच है वो आजकल की जनरेशन का, यूथ का जो टच है, बोलने का जो तरीका है और जिस तरीके से वो बात करते हैं सोशल मीडिया में, एक दूसरे को फ्रेंड बनाते हैं, वही सब इसमें इस गाने में है सब बातें। इस गाने का फ्लेवर कैसे लगा आपको? फ्लेवर बड़े अच्छा है, पेपी नंबर है, थोड़ा पंजाबी टच है और बहुत ही अच्छी कंपोजिशन है, लिखा भी बहुत अच्छा है। एक लाइन गुनगुना के सुना? जी जी, जरूर जरूर। फेसबुक ते लगा के आ रही हां, फेसबुक ते लगा के आ रही हां, ओ मुंडा साडा बिगड़ गया, ओ मुंडा साडा बिगड़ गया, फेसबुक ते लगा के आ रही हां, ओ मुंडा साडा बिगड़ गया, ओ मुंडा साडा बिगड़ गया। क्या बात, लवली, थैंक यू। लिरिक्स लिखे इस गाने के, तो कैसा लगता है, मतलब इस गाने के लिए आपने कितने इनपुट्स दिए होंगे, कितना टाइम गया होगा इसके पीछे, इस फ्लेवर के पीछे? एक्चुअली क्या है, ये स्पॉन्टेनियस बात होती है। अभी मेरे मानिक जी मेरे साथ मिले, हम लोग बैठे थे, तो इन्होंने बोला यार एक ऐसा एक गाना चाहिए, डायरेक्टर जो हैं फिल्म के, उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा गाना चाहिए जो क्लब में, जो फेसबुक जनरेशन में, तो वहाँ से एक टक करके मेरे दिमाग में आया कि भाई फेसबुक पे लगा के जा रही हैं, मुंडा साडा बिगड़ गया। तो आज की जो जनरेशन है वो सारी फेसबुक जनरेशन है, नेट जनरेशन है, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें, तो फिर आगे एक बार शुरुआत की बात होती है, एक लाइन मिल गई, एक मुखड़ा मिल गया, तो फिर आगे जैसे जैसे इनपुट्स मिली। साल भर पहले हमने करा था एक्चुअली इसको डिसाइड, फिर हमारे दोस्त सौरभ जी और संजीव जी ने सुना था कभी, एक हमारी ऐसी बैठक थी कैजुअल, तो उन्होंने बोला था ये गाना हम जरूर करेंगे कभी, और अभी उन्होंने जो फिल्म स्टार्ट करी उसमें सिचुएशन ही ऐसा था कि उन्होंने ये वो गाना अपना था जो बोले वो निकालो, सो दिस दैट वाज ऑलरेडी देयर। सो फाइनली दिस सॉन्ग हैज कम आउट रियली वेल। यस, कुछ और गाने के बारे में बताइए। मॉडर्न फ्लेवर सॉन्ग है, क्लब सॉन्ग है, वेरी इन जो आज का आज की जनरेशन का जैसा है माहौल उसके ऊपर गाना है। इट्स अ वेरी सैटायर आल्सो यू कैन से, बट क्लब डांसिंग मस्ती सब कुछ है इसमें। तो ये गाना चलने वाला है हर जगह? यस डेफिनेटली। फील के ऊपर गाना पूरा यूथ बेस्ड है, आज का सोशल मीडिया जैसा चल रहा है चारों तरफ उसी को बेस में रखते हुए गाना बनाया गया है, कि यूथ जो है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से रिलेटेड है, तो इस तरह इस गाने को जो है ज़्यादा स्प्रेड होगा गाना, क्योंकि लोग सोशल मीडिया आज ज़्यादा सब करते हैं। आप कुछ कहिए, क्वेश्चन आएगा तो आंसर सर। इसी गाने हम लोगों ने आप ही के मुंह से सुना ये गाना। फेसबुक ते लगा के यारियां, फेसबुक ते लगा के यारियां, वे मुंडा साडा बिगड़ गया, वे मुंडा साडा बिगड़ गया, वे मुंडा साडा बिगड़ गया। सो दिस इज सुपर। गाने गाने मत बोलो आप। कंपोजिशन एंड हाउ मच टाइम इट टुक फॉर यू टू क्रैक दिस, बिकॉज आई इनिशियली वी वर ऑन अ वर्ज एंड वी वर ऑन अ एज, यू नो दैट वी वांटेड टू अंडरस्टैंड हाउ इट वुड क्रैक। या एक्चुअली कंपोजिशन नॉर्मली डोंट टेक मच टाइम, इट जस्ट कम्स इन इंस्टेंट एक्चुअली, यू नो। सो एक्चुअली द टाइम टेकन बेसिकली हैपेंस फॉर द म्यूजिक प्रोडक्शन एक्चुअली। सो कंपोजिशन हैपेंस व्हेन द लिरिक्स इज रेडी, द कंपोजिशन हैपन इंस्टेंट एंड देन कम्स is a production job. So that takes time. That takes time. Week, 10 days. Awesome. And this was done a year back, so we have to again recreate some, reproduce certain sound of today's. Yeah, so that's what we have been doing actually. And I think this song is going to be a hit song. Awesome. Definitely. Thank you very much. एक साथ आप चार इसके crescendo की भी या कुछ बीच में की, तो हम लोग एक चारों की एक साथ line ले लेंगे।
कौन सा गाने से गाना अच्छा कम सिंगिंग वाइज बोल रहे हैं आप सिंगिंग वाइज ठीक है अभी अभी तो गाया वो काफी है सर भी जैसे हुक One, two, three. Facebook te laga ke yariyan, Facebook te laga ke yariyan. Ke munda sada bigad gaya, ke munda sada bigad gaya, ke munda sada bigad gaya. Kya baat hai? Lovely, lovely, awesome. Thank you. Haji Jimmy bhai. या जो आज ये हमारा जो सॉन्ग है फिल्म का फेसबुक ते लगा के यारियां मुंडा साडा बिगड़ गया आज इसकी फाइन ट्यूनिंग हुई है तो मैं कहूँगा कि ये मतलब आजकल की जनरेशन का सॉन्ग है क्योंकि आजकल 24 आवर्स सब लोग सोशल मीडिया पे रहते हैं तो यूथ इस सॉन्ग के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेगा तो ये बहुत मेलोडियस सॉन्ग है बहुत अच्छा सॉन्ग है तो बहुत बजने वाला है ये डीजेस पे और ये फिल्म के कॉन्सेप्ट के बारे में कहूँगा कि जो बेसिक है इस स्टोरी का वो ये है कि लाइक दीज डेज हाउ ईजली दैट कपल्स गिव अप मतलब एक दूसरे पे बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं और हम अगर देखें तो पिछले कुछ सालों में से डिवोर्स रेशियो है जो मतलब इट्स इंक्रीजिंग बाय एवरी पासिंग डे इंडिया में ऐसे हो रहा है एक पहला टाइम होता था जब हम मतलब जो हमारे बड़े हमारे पेरेंट्स हमने कभी ऐसा सुना नहीं था कि कोई डिवोर्स हो जाता है कोई एक दूसरे पे गिव अप कर देता है लेकिन आजकल की यूथ ऐसी है कि ठहरा भी नहीं है किसी में और इतनी भगदड़ मची हुई है कि मतलब पेशेंस नहीं है तो इस फिल्म में क्या है कि हमने एक ऐसे मैसेजेस हैं कि मतलब एक दूसरे पे इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना चाहिए सो एक दूसरे को समझना चाहिए वैल्यू रिलेशनशिप को वैल्यू करना चाहिए तो ऐसे बहुत छोटे छोटे मोमेंट्स हैं जिसमें हर कोई कनेक्ट करेगा आजकल की यूथ कनेक्ट करेगी बेसिकली सर हैशटैग लव ही क्यों हैशटैग लव ही क्यों ये तो हमारे डायरेक्टर को ज़्यादा पता है बट इट्स अ वेरी कैची टाइटल आई मस्ट से हैशटैग लव ट्रेंड होने वाला है हर जगह पे एवरीवेयर या और मेरा कैरेक्टर इस फिल्म में आई एम अ फन लविंग गाय यू कैन से इज अ स्पॉइल्ड ब्रैट और पंजाब से है और दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकता है और इस फिल्म में अपनी दोस्त के लिए क्या क्या वो करने वाला है ये आप लोग देखेंगे मज़ा आने वाला है बहुत अच्छा सौरभ यू आर प्रोड्यूसर एंड एक्टर इन द फिल्म हाउ डू यू थिंक यू विल मैनेज बोथ By the way, I'm safe. I'm not the producer of the movie. Producer is my mom, and that is Mamta Roy. And banner is Hari Productions. And I'm just an actor in this movie. Just that ki mere upar sari talwaren gir gayi hain ki aapko as a director handle karna pad raha hai. But it's a fun journey. Like being an actor. Like I've been in this industry since from last 12 years or. जर्नी इतनी प्यारी रही है कि मिस्टर इंडिया हो चाहे खतरों के खिलाड़ी हो चाहे बीसीएल हो जिमी भाई के साथ तो मज़ा आता रहा और आज भी बड़ा मज़ा आ रहा है ये जो प्रोड्यूसर वाला फील जो आ रहा है ना प्रोड्यूसर हूँ नहीं फिर भी फील आ रहा है तो उसमें भी बहुत मज़ा आ रहा है व्हाट अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड द फिल्म एंड दिस सॉन्ग दैट वी आर वर्किंग ऑन एंड हाउ डू यू थिंक इट्स गोना बी वोवन अप एंड गोना बी वर्किंग टुगेदर इन अ इनिशियल स्टेज दैट यू आर लिसनिंग राइट नाउ The song that we are working on, actually I don't have words for it because like I had done near about two movies, almost two, four, two are unreleased, so four movies, but this feel of this song gives me goosebumps, like it's something very different, like aaj tak itne gaane sune hain, itne peppy numbers aate hain, itne disco wale gaane aate hain, sunke maza aata hai, lekin is gaane ko sunke ek alag maza hai, maybe because ye khud ki film ka gaana hai maybe ye jo hai youth se relate ho raha hai because maine reaction dekhe sabke main being associated with the production team jab aap apna ek gaana prepare karte ho aur aap apni puri team ka reaction dekhte ho to wahan pe aapka pump up ho jata hai ki yes this is something good so the moment maine sabka reaction dekha I was like okay aadha kila jeet liya how about the title of the film and how about the whole journey of the process of writing this subject ye bada complicated hai ye reporter kahan se pakad ke laya bhai to nahi journey writing ki ek din raat ko so raha tha ek sapna aaya राइटिंग जनरली ऐसे ही होती है कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं ऐसे ही लिखा जाता है तो रात को सपना आया कि ऐसा कुछ करते और उसके बाद ये आप बीती भी थी थोड़ी बहुत तो और फिर मेरी आप बीती मैंने बाकियों से शेयर की तो वो कहते हैं हमारे साथ भी सेम बीती है तो मैंने कहा फिर ये जब सबके साथ बीती है तो इसकी पिक्चर क्यों नहीं बन रही है पिक्चर बनाओ इसकी सो दैट्स हाउ वी क्रिएटेड दिस कॉन्सेप्ट एंड परम जी इज डिफाइनिंग इट वेरी ब्यूटिफुली लाइक द काइंड ऑफ डायलॉग्स ही इज गिविंग द काइंड ऑफ स्क्रीन प्ले ही इज बिल्डिंग अप लाइक
that's awesome. And I strongly feel that youth gonna connect with this thing, with this movie. And finally, about the four lead characters that you're thinking about, and you're seeing them as characters in the film. Movie mein char lead hai. Yeah, two girls and two guys. मैं producer हूँ, अकेला क्यों नहीं हूँ मैं? ये गलत है, ये industry का rule है. जो producer होता है, वो solo होता है. ये गलत है, change करो पहले. नहीं, फिर भी, as a producer, how do you think you're taking four people equivalent and parallel? How do you think it's going to be there as experience and as a journey of this film? See, what I feel कि अकेले चलते हैं ना तो बहुत जल्दी डूबते हैं. चार चलेंगे तो हाथ पकड़ के पार कर लेंगे. सही है. That's a good one. I think then hashtag love has to cross miles. 100-200 करोड़ कमा लेते सर. और कुछ अपने बारे में और अपनी जर्नी के बारे में और इस मेरे फिल्म बारे से में सबको पता है. लफंडर आदमी है मिलना. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. सर, दिस इज योर फर्स्ट मूवी एज अ डायरेक्टर. यस, इज माय फर्स्ट मूवी एंड ऑब्वियसली आफ्टर एसोसिएटिंग 2-3 मूवीज दिस इज द फर्स्ट वन. व्हाई हैशटैग लव इज योर फर्स्ट मूवी? Why? Because it connected well, of course, on same grounds and writing as well as a thought with the Saurabh, yes. And we, of course, we have different mindset but the same page, and that's how we connected. And why is the title hashtag love? I think everyone now loves to write hashtag everywhere they, you know, they find something good or fascinating. आज कुछ करना है तो फेसबुक पे हैशटैग करके लोग लिखे जा रहे हैं. पता नहीं ये क्या ट्रेंड है, बट ये ट्रेंड हमने पकड़ लिया है एंड आई थिंक दिस इज गोना वर्क. एक्चुअली हैशटैग इज लाइक समथिंग, बहुत सारी चीज हम एक ही उसमें छोटे में दिखा दे. बट आई थिंक ये छोटी चीज भी बहुत बड़ी होने वाली है. हैशटैग लव. ख्याति मैम इज योर बेटर हाफ. सो वो हैशटैग है आप लव हो या आप लव हो वो हैशटैग. यू कैन से द लव इज अ कंप्लीशन ऑफ हैशटैग. सो टेल मी what we are doing today over here. Yeah, today we are recording a song and it's a beautiful disc number. It's a DJ song, which you can say a party song, and it's sung by, of course, Dev, mind blowing singer. Dev ne bahut sare acche acche gaane gaaye hai, aap jante bhi hoge, Badri hai, Tantanatan, I don't know how many, and today he's done justice to this song. So I think we just doing this as a fine tuner for this today's job, but it was sung like a year back. Is gaane ka treatment kya hone wala hai movie mein? Oh my god, this is something very different that you have asked me today, because generally club songs ki ek pattern aur ek feel hoti hai. Hum try karenge ki isko thoda sa alag kiya jaye, thoda sa alag, because hame is market ko wo parosna hai, little Hollywood feel. तो आप ऐसा क्या अलग करने वाले? थोड़ा सा तो कुछ आइडिया. अगर सब कुछ यहाँ बता दूंगा तो फिर फिल्म में क्या देखोगे? आ जाओ फिल्म देखने. ये मूवी के किस पार्ट में आने वाला है गाना? दिस इज अ फ्लैशबैक सॉन्ग. यहाँ पर लड़का और लड़की पहली बार मिले हैं और यहाँ पर एक शेयर होता है फेसबुक आईडी. इनफैक्ट इट इज लाइक ही आस्क्ड फॉर द नंबर एंड शी डजंट गिव एंड देन ही जस्ट आस्क्ड द नेम. तो नाम पूछती वो लड़की, नाम बोलती भी है इतराते हुए, और उसके बाद फिर वो ढूंढ लेता है फेसबुक पे, यार ये अच्छा ये लड़की, वाओ ओ माय गॉड. उसके बाद उसको ऐड कर लेता है, उसके बाद फिर कहानी वहीं से शुरू है यार. यू हर्ड दैट देयर आर टू कपल्स इन द मूवी. या तो दोनों में क्या सिमिलैरिटी और क्या डिफरेंस है जो आपको दिख रहे हैं? आई थिंक बहुत ज्यादा पीपल विल कनेक्ट. एक मैरिड कपल और एक अनमैरिड कपल, एक फ्रेश कपल, दोनों की जर्नी कैसे होती है, बहुत ज्यादा डिफरेंस उसमें दिखेगा लोगों को. Or I think that's the best way we can project this movie. And how Khyati ma'am is associated with this project, apart from being your wife? She is, of course, she is a part of my life and wife. And as you see, she writes with me, she does choreography with me, she even does direction with me. Because inki writing bahut kharab hai, to jo bhi wo bolte hain aur wo bahut fast bolte hain, to you know main. वो जस्टिस हैशटैग लव ये पूरा करते सो आई थिंक समहाउ वी जस्ट मैनेज आवरसेल्फ सो वेल कि मे बी आई क्रिएटिवली आई डिजाइन टू फास्ट एंड शी कीप्स ऑन एडजस्टिंग विद मी एंड दैट्स लाइफ. दैट्स हैशटैग लव. एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइजेस इन लाइफ इज रियल लाइफ एंड दैट्स वेयर वी आर बॉन्डिंग, वी आर टुगेदर. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो आजकल एडजस्टमेंट है वो नहीं हो रही है. अगर एडजस्टमेंट ही नहीं होगी तो लाइफ चलेगी. सो आज की जनरेशन, यू नो, वी आर ऑल्सो फ्रॉम दिस जनरेशन ओनली, पर ये मैसेज मैं देना चाहूंगी और हम सब देना चाहेंगे इस फिल्म के थ्रू कि अगर हम किसी
चीज में बांध छोड़ करे या एडजस्टमेंट करे तो हमारी लाइफ ब्यूटिफुली डिजाइन हो सकती है. वेरी ट्रू. एंड दैट्स हाउ आई सी. एक घर में चार लोग भी साथ नहीं रह सकते, सबके व्यू पॉइंट्स अलग है. तो फिर आप नई लड़की के साथ आप जब शादी करते हो तो वो तो बहुत डिफरेंस है यार. आई मीन यू हैव टू मैनेज सो मेनी थिंग्स. सो आई थिंक देयर इज वेयर द होल जर्नी विल बिगिन एंड एंड कि एक अच्छा रिलेशनशिप आप बांधना सीख जाओ. अच्छा, मैंने सुना है कि आपको म्यूजिक डायरेक्टर्स ने बहुत परेशान किया. देखिए मेरी तरफ से गाने दे दिया बिना बोले. मेरी तरफ से तो मैं एक चीज जानता हूँ कि मानिक भाई, सत्या भाई और अफसर भाई, ये तीनों ने बहुत जल्दी हमें गाने क्रैक करके दे दिए हमारी फिल्म की फील के साथ. और ऑफ कोर्स आई मीन दिस वाज लॉन्ग बैक, वी डिड दिस वन सॉन्ग एंड आफ्टर दैट वी सैट ऑन कपल ऑफ सॉन्ग्स. बट आई थिंक दे आर सच टैलेंटेड पीपल दैट डिजर्व टू गिव एंड गेट All this they have done now, and it's awesome. तो मूवी के एल्बम को आप कंप्लीट पैकेज कहते हैं? Yes. किस किस फ्लेवर के गाने हैं मूवी में? I mean, अगर आप तड़का देखना चाहो फिल्म में और पैसे वसूल देखना चाहो तो ये तीनों गाने हमारे उस फ्लेवर के कि आप एक बंदा बोलेगा मुझे पार्टी सॉन्ग सुनना है, एक बोलेगा यार जर्नी सॉन्ग, कभी मैं गाड़ी चलाते हुए जाऊँ तो आई हैव टू लिसन टू दैट. और एक बंदा सोचेगा यार अपने माहौल में अपने उस यू नो फील में रहो और रोमांटिक सॉन्ग जो हमारा बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग होने वाला है. आपने ब्रेकअप सॉन्ग नहीं डाला? ब्रेकअप सॉन्ग भी एक पार्ट है उस रोमांटिक सॉन्ग का ही. आई थिंक इट्स ऑलवेज टू साइड्स ऑफ द स्टोरी एंड टू साइड्स ऑफ द कॉइन. जब रोमांस होता है तो ब्रेकअप भी होना है कहीं ना कहीं, और वो ब्रेक्स में होता है. रोमांटिक सॉन्ग इतना अच्छा है कि जिसका ब्रेकअप होगा वो भी वही चाहेगा कि वो सुने वो. ये गाना सुनो और वापस से यू नो ब्रेकअप सॉल्व कर दूं. सो आई थिंक वी आर डन एंड थैंक यू वेरी मच एंड डू कम बैक टू वॉच आवर मूवी प्लीज गाइस. एंड दिस वाज अ अमेजिंग रिकॉर्डिंग सेशन. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. अजय सर, why hashtag love? Hashtag love, it's a trend now. New generation, old generation, generation like us, they all believe in Instagram, Twitter, Facebook. So I guess ये उस fashion trend को देख के इस नाम को choose किया है हमारे जो आने के writer हैं परम दाऊद. He must be thinking something out of the box. फिल्म के जरिए न्यू जनरेशन को कुछ ऐसे मैसेजेस पहुँचा सकते. आई थिंक वेरी यूनिक, काफ़ी अलग माउंट एवरेस्ट के ऊपर चाहिए होगा नाम. दिस इज हिंदी ट्रेंड. हिंदी ट्रेंड मीन्स यू आर विद द वर्ल्ड. इसलिए हैशटैग. हैशटैग लव रोमांटिक या कॉमेडी है? नहीं, जो इसमें काफ़ी मैंस ड्रामा कॉमेडी मस्ती इनफैक्ट आपको इस फिल्म के कैरेक्टर्स जो है जो रूटीड है बहुत सारे वो भी इस किरदार को निभा पाएंगे क्योंकि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड जितना मुझे स्टोरी के बारे में बताया गया है दिस इज वेरी रूटेड. मुझे जितना लगा मैंने जब इस कहानी सुनी मुझे ऐसा लगा कि यस दिस इज द स्टोरी विच वी हैव टू डू. क्योंकि आज के ज़माने में कुछ हो रहा है, रिलेशंस आर वेरी फ्रजाइल. उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको समझाने के लिए, अवेयरनेस अबाउट द न्यू जनरेशन, ऐसी कहानियाँ, ऐसी फिल्म, ऐसी स्टोरीज, ऐसे राइटर, ऐसे डायरेक्टर्स आई गेस सामने आने चाहिए और इस फिल्म के जरिए हम लोग. जैसे म्यूज़िक के बारे में आपका क्या? हाँ, म्यूज़िक हमारा काफ़ी यूएसपी है हमारा. जितने भी ट्रैक्स
सुने आज मिस्टर देव ने जो आज ये गाना गाया यात्रा इट्स वेरी लाइवली वेरी सिंपल जिनके पास दिमाग है वो भी समझ सकते हैं जिनके पास दिमाग नहीं है उनके यू नो टेल्यूट होता है ये गाना टच योर सोल ज़्यादा ताम झाम नहीं है काफ़ी सिंपल गानों को और मन को और आत्मा को रोमांचक इंसान है अपने अपने कैरेक्टर को जीता है क्रिकेट के थ्रू मैं जाना स्पोर्ट्स के थ्रू जाना एंड इज वेरी क्रिएटिव ही बिलोंग्स टू आर्ट पेंटर है मतलब मेरे पास उसकी अचीवमेंट के लिए इतना वक्त नहीं है कि मैं एकदम इतना इमोशनल मत करो इज द वन ऑफ द गाय हु क्रिएटेड ऑल दैट हट लाइक दिस इज अ छाउटी अपने वादे पूरे नहीं करता डाउट किया मैं आज क्रिकेट खेल रहा हूँ एंड वी आर फन टुगेदर वी आर द बेस्ट सो आई जस्ट वांट टू से कि दिस इज अ फन फिल्म मूवी जो भी देख जाएगा हंसते हुए बाहर जाएगा वो एक लेसन सीख के जाएगा डेफिनेटली एक लेसन सीख मतलब बेसिकली एजुकेशन वाली बिल्कुल एजुकेशन है सर हम सभी सीखते हैं वी ऑल आर ऑन द लर्निंग कर्व्स We evolve every day, we grow every day. This is what this movie is not just a movie, not just belongs to entertainment. This movie belongs to the lesson, the message for the generation, for the new generation and young generation. For generation, aage cheeze nahi hoti. We are humans. It belongs to the responsibility. Ye film ek responsibility batayegi towards the new generation with the relationship. Thank you very much. My first senior citizen bhi. Wo bhi relate kar this movie se. Okay. I don't believe in senior or senior citizen.
ये मानिक जी है, इन्होंने म्यूजिक दिया भाई जी, ये सीनियर सिटीजन है और इन्होंने जब स्टोरी सुनी तो मैं बिल्कुल रिलेट कर रहा हूँ, ये आप ही थी। मानिक जी जितने जितने खूबसूरत दिख रहे हैं, खूबसूरत इंसान है, गाना बात पैदा हुई थी। वाह वाह। और जितना मैं इनको यहाँ तक बैठे बैठे पहचान जो इन जो जो इंसान एक सिर्फ कहानी के अंदर म्यूजिकली एक एक जिंदगी पैदा कर सकता है, वो आई गेस एक मूवी नहीं हमारे साथ 10 मूवी, और हम उनके साथ करना चाहेंगे। एंड इट इज सेम इनकी मजबूरी क्वांटिटी थी।